जय शिव शंकर मित्रों मैं आप सभी का हरीश पांडे 20 अगस्त 2022 का मकर राशि फल लेकर के उपस्थित हूँ आज मैं आपको बतलाऊँगा कि 20 अगस्त 2022 का दिन आप मकर राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है विषय शुरू करने से पहले एक आवश्यक सूचना कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें मेरा WhatsApp नंबर है एट फाइव फोर डबल जीरो नाइन सिक्स सेवन थ्री जीरो ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं 20 अगस्त 2022 का मकर राशि फल तो मकर राशि वाले भाई बहनों आज 20 अगस्त 2022 को राशि से चंद्रमा की जो स्थिति है वो पंचम भाव में रहने वाली है और मैंने कल ही बतलाया था कि राशि से पंचम भाव में जब चंद्रमा होता है तो वो मिश्रित फलदायक होता है मतलब सकारात्मक नकारात्मक दोनों परिणाम बराबर लेकर के चलता है और ऐसी स्थिति में निगेटिविटी ज़्यादा फील होती है आज आप अपना कॉन्फिडेंस दबा हुआ महसूस करेंगे आज आपका कॉन्फिडेंस बार बार आपको लूज करेगा जगह जगह पर इसीलिए बहुत ज़्यादा अपने कॉन्फिडेंस के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास न करें अन्यथा नुकसान आपका होगा आज आपको मानसिक रूप से अशांति रहेगी वो चाहे कोई भी मैटर हो आपके सेहत का मैटर लेकर के या फिर घर परिवार का मैटर लेकर के या आपका फाइनेंशियल मैटर लेकर के लेकिन आज आप मानसिक रूप से अशांत जरूर रहेंगे और मानसिक रूप से अशांत रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके काम बिगड़ेंगे आपको आपके कामों में नुकसान होगा तो आज आप थोड़ा सा अपने ऊपर नियंत्रण रखकर चलें और आज आप ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करें 108 सौ पर जिससे कि आपके मन को थोड़ी शांति मिले भगवान शिव का जल द्वारा अभिषेक जरूर करें जिससे कि आपके चंद्रमा को बल प्राप्त हो और आपका चंद्रमा थोड़ा पॉजिटिव हो मित्रों बात करें सेहत की तो मैंने कल भी बतलाया था पंचम भाव का चंद्रमा हो तो डाइजेशन से संबंधित समस्या जरूर होती है डाइजेशन को संभाल करके रखें बाहर का उल्टा पुल्टा न खाएं, नॉन वेज न खाएं, घर का सादा आप खाएं और स्वस्थ रहें डाइजेशन आपका बढ़िया रहेगा और अगर आप आज कहीं किसी यात्रा पर निकलना चाहते हैं तो ये ये बिल्कुल तय मान लीजिए कि आज आपके खर्च अत्यधिक होने वाले हैं आज यात्रा पर अगर आप निकलें तो सावधानी बरतें हो सकता है राह में किसी से झगड़ा हो जाए आप किसी से उलझ पड़ें क्योंकि जब पंचम भाव का चंद्रमा होता है तो व्यक्ति का मानसिक बल कमज़ोर होता है और ऐसी स्थिति में वो किसी से भी जल्दी लड़ पड़ता है लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ़ में भी आज अंडरस्टैंडिंग की कमी रहेगी प्रेमी प्रेमिका हो चाहे दंपत्ति हो पति पत्नी हो सभी को आपस में एक दूसरे को समझते हुए चलना है अन्यथा बात बात में तकरार तो तू मैं-मैं हो सकती है विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन अनुकूल नहीं दिखाई पड़ रहा है एकाग्रता की कमी होगी मन पढ़ाई की तरफ से भागेगा उच्चाटन होगा मन लगेगा नहीं आप, आपका पढ़ाई करने में दूसरी बात कि अगर आप कहीं जॉब करते हैं सर्विस करते हैं या किसी टेम्परेरी जॉब में हैं तो आप उस जगह पर जहाँ आप जाते हैं जॉब करते हैं जहाँ रोज़ का आठ घंटा समय देते हैं उस जगह पर आप किसी षडयंत्र का शिकार हो सकते हैं कोई आपको नीचा दिखा सकता है या फिर हो सकता है कि आज आपको अपने बॉस से कुछ ज़्यादा ही अनाप शनाप सुनने को मिल जाए तो ऐसी स्थिति में आपको धैर्य रखना है और ये सोच कर धैर्य रखना है कि अगला जो भी आपको अनर्गल सुना रहा है वो आपके पाप दोषों को नष्ट कर रहा है वो आपके बोझ को हल्का कर रहा है तो आपको ऐसे में थोड़ा धैर्य रखना है क्योंकि चंद्रमा आपके पक्ष में नहीं है तो आज का उपाय मैंने आपको बतला दिया है शिवलिंग पर जल से अभिषेक करना है और ओम नमः शिवाय का 108 बार उच्चारण करना है जिससे कि आपका चंद्रमा आज आपको सपोर्ट करे। आज का लकी अंक होगा गुलाबी कलर और लकी अंक होगा नंबर एक तो आज का मकर राशिफल समाप्त हुआ मित्रों कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें जय शिव शंकर लिखकर ज़रूर भेजें और यदि आपको मेरे माध्यम से अपनी कुंडली दिखवानी है अपनी समस्याओं का समाधान चाहिए तो आप मेरे WhatsApp नंबर पर मैसेज करें मेरा WhatsApp नंबर है एट फाइव फोर डबल ज़ीरो नाइन सिक्स सेवन थ्री जीरो ठीक है मित्रों तो चलता हूँ मुझे आज्ञा दीजिए जय शिवशंकर